जो ये बहुत से हमारे साथी गण जो YouTube पे सुनते हैं ना ऐसी चीजें, तो उनके अंदर एक ख्याल आ जाता है, आहा अभी भी आ रहा है, अरे इसके चक्कर में फंस गए, हमें ही फंसवाएगा ये, जेल में पहुंचवा देगा ये तो हमें। तो भाई चिंता मत करो, दूर हो जाओ, थोड़ा डर लग रहा हो तो। अब सैनिकों के पास तो यही सब मिलेगा भाई, क्या करें, हथियार होंगे तो ये सब तो चलेगा, आप क्या करें। अगर सैनिकों के अंदर एक जुनून ना हो रक्षा करने का, तो सैनिक भी काहे के हो, ये तो जुनून है मानवता को बचाने के लिए। मैं तो कहता हूं मेरे देश को मेरी जरूरत है, मैं मुझे ये सारी तोप वोप चलाना सिखा दो, मैं भी वहां जाके कुछ कर लूंगा अगर जरूरत हो तो। पिस्तौल विस्तौल चलानी तो आती है, बड़े बड़े हथियार चलाने सिखा देना को, मेरे को चला वो भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां मैं बात कर रहा हूं मानवता की, जो देश से भी ऊपर होती है, पहले मानवता है, फिर देश है, फिर विश्व है। मानवता का संघार धरती के किसी भी कोने में हो, ज्वालाएं तो निकलनी चाहिए, अगर पता लग जाए तो ज्वालाएं निकलनी ही चाहिए, खाली अपने देश तक सीमित नहीं होता है। एक साधक साधिका ब्रह्मांडीय होता है, ब्रह्मांड के स्तर पे कार्य करने वाला होता है, वो केवल एक छोटी सी टुकड़े तक धरा के सीमित नहीं होता है। हाँ एक एक जिम्मेदारी होती है, जैसे हम सबको छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा है, छोटे छोटे घरों के रूप में, तो पहला कर्तव्य अपने घर के प्रति होता है, उसकी व्यवस्थाओं को देख लो। तो कई बार ऐसा होता है कि मदद करने के लिए थोड़े से अपने घर की आवश्यकता को भी दरकिनार करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। घर की आज कोई आवश्यकता है, हम कहेंगे छोड़ो छोड़ो कल देख लेंगे, पहले वहां जो क्राइसिस आई है पहले उसे देख लें। यस दिस हैपेंस, होना भी चाहिए। चले आज का तो पता नहीं क्या कराया आज माताजी ने और क्या निकलवाया, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर किसी को, अब तो मैंने जो कहना है कह दिया, अब मेरे अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, आप में से कुछ लोग यदि कुछ अभी कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर समाप्त करेंगे। अभी तो हैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, बोलिए कुछ हैं अभी आना चाहते हैं। 20 लोग हैं, सो गए 20, 20, 20। 20? अरे तो बहुत हैं। अब इन सब बातों के लिए तो सबकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, घर के अलग अलग टाइम हैं, सबसे ज्यादा निठल्ला तो मैं ही हूं, कोई काम वाम तो है नहीं, कोई जल्दी नहीं होती मुझे। अब देखो ना पूरी रात कल जाग के बिता दी, क्या करना था, हेल्थ की भी ध्यान नहीं रखनी, अब कोरोना वायरस घुस जाएगा शरीर में, कहते हैं डॉक्टर 7 घंटे सोना चाहिए, यहाँ तो 2 घंटे भी सोना नहीं होता, घुसेगा घुस जाएगा, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या करना है इसका। ये भी तो बड़ी बात है, डेडिकेशन है आपने। डेडिकेशन वेडिकेशन नहीं, बस जुनून है। जब शिमाते से जुड़ा था तब भी ऐसा ही जुनून था और आज भी वही जुनून है, क्योंकि वो जुनून कौन पैदा कर रहा है, जिन्होंने अपने चरणों में लाई वही जुनून पैदा करती हैं, इसलिए आज भी वही जुनून है। हाँ वैसे तो 1:30 बजा है, तो क्या समाप्त करें, जैसे आप आप सब लोग हैं 18-20 लोग, बताइए समाप्त करें या कुछ कहना सुनना है। इशिता आई थी, अल्पना दीदी, पता नहीं फिर वो बंद कर दी कैमरा, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। अच्छा आई एम सॉरी, आज तो मैंने आ किसी को गई कहने ही नहीं दिया। अच्छा इशिता, आ ईशिता, आई एम सॉरी ईशिता, आज पता नहीं अंदर से क्या क्या आ रहा था। जय श्री हाँ माता जी।
जय श्री माता जी सीता। बहुत दिन बाद आया बच्चा, आज तो बहुत दिन बाद इस बच्चे को देखा। वैसे तो आती हूँ लेकिन वीडियो में नहीं। लेकिन साइलेंट मोड पे रहते हो। हाँ बोलो बोलो। हाँ ओहो, मैं तो बोल ही रहा हूं, इसके जो कंटेंट्स हैं वो किडनी, हमारी किडनी बाहर निकाल ही नहीं पाती, खराब हो जाती है। मैंने और मम्मा ने तो बहुत मना करा था बट कोई मानता ही नहीं, माना ही कोई नहीं था ना। बात नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने समझाना चाहा, नहीं समझा रहे तो तुम क्या कर सकते हो। अब उनकी इतनी बुरी हालत होती है कि वो हाँ गिलास तक नहीं उठा हाँ पानी का। अब उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है, उनकी किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, वो हाँ एक गिलास तक अच्छा पानी का। बताइए, क्या जरूरत थी पंगे लेने की इस उम्र में। पर कहते हैं ना, जब उन्होंने तो बुद्धि मना भी, हाँ लेकिन हमारे उन्होंने तो मना भी करा था, लेकिन हमारे भी रिलेटिव है, हाँ उन्होंने जबरदस्ती ओहो, चलो अब तो बेटा कुछ हो नहीं सकता, अब तो जो उन्होंने करना था अपना कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने भी इस जंगल में फंस गए हैं उनका कुछ होना मुश्किल है। जैसे श्री माता ही कहती है ना, जैसे श्री माता ही कहती है ना कैंसर पेशेंट के लिए, भाई कीमोथेरेपी मत लेना, फिर मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगी। अब कीमोथेरेपी लेने के बाद मदद हो नहीं सकती, तो यही वाला काम हो गया। अब जिन लोगों ने भी ऐसा कर लिया है ना, उनके लिए तो भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पैरों में कुड़ाली मार ली है। जैसे ही हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए ना, तो उन्होंने तो कहते तो हाथ तो लगाएंगे नहीं अगर हम कोरोना वायरस का पहले टेस्ट नहीं करवाओगे। साथ पॉजिटिव क्या कर दिया। पॉजिटिव भी दिखा दिया फिर कोरोना वायरस। हाँ वो तो दिखाई देंगे, आप लोग बच के रहना जरा, कभी इस बहाने आपके भी वैक्सीन ठोकने ठाकने की व्यवस्था कर दें ये लोग नालायक। अभी षड्यंत्र फैला रहे हैं, 18 साल वालों की भी लगाएंगे अभी आगे, ये इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी फैलानी शुरू कर दी है। मतलब कितना बदमाशी है, 10-20 रुपए की आइटम को ये 400 में, 1000 में, कितने में ही बेच रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट कुछ अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रेट अलग है, प्राइवेट कॉलेज इनका इंस्टीट्यूशन का रेट कुछ अलग है। देखो क्या हाल मचा दिया, कितनी फ्रॉड है सरकार भाई, हद हो गई। और जो इस ओपनली फ्रॉड करने वाली चीजों को भी नहीं देख पा रहे भैया, उनके आगे तो पट्टी बंधी हुई है, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं कर सकता कोई इंसान जो इस चीज को भी नहीं देख पा रहा है। श्री कल्कि तो लगातार एक्सपोजर पे एक्सपोजर किए जा रहे हैं श्री कल्कि, क्योंकि फर्स्ट स्टेप श्री कल्कि का एक्सपोजर करना है, श्री माता ही बता चुकी हैं, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन प्रोसेस शुरू होगा। अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, हमारी अंतरात्मा में आ रहा है कि ये करना है तो कर लो, नहीं आ रहा है तो मना कर दो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे करा नहीं सकती। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको मजबूर कर दे, शक्तियां साथ हैं, साक्षात श्री माता ही साथ हैं, कौन मजबूर कर सकता है। अभी इसका मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी 6 तारीख को मैं ऋषिकेश जा रहा था, एक कोरोना का ड्रामा तो पहले ही फैल चुका था, जो उत्तरांचल का जो बॉर्डर है, उत्तरांचल का बॉर्डर रुड़की उड़की के आसपास से शुरू हो जाता है, वहां पे पूरे बैरियर लगा रखे थे, पूरे बैरियर, और सारी गाड़ियों को रोक रहे थे। जब मेरी गाड़ी आई, पता नहीं उसकी कैसे मती फिरी, उसने मेरे को इशारा कर दिया आगे जाने का, बाकी सारी गाड़ी पीछे रुकी हुई है, मेरी अकेली की गाड़ी आ गई आगे।
मैंने कहा माँ मजेदार खेल है आपका भी, सब तो रुके हुए हैं, मेरे को ही आगे बढ़ा दिया। ऐसा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं हंस रहा था मन मन में, श्री माताजी की तरफ देखा मैंने, मैं कहा वाह माँ तुम्हारा भी खेल न्यारा है। तो जब मैंने गाड़ी रोक रहे थे, मैंने कहा हो अभी मेरे को मुसीबत कर देंगे, कहेंगे RT-PCR टेस्ट दिखाओ, वहां रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ वो कराओ। मैं इतना मैं अंदर आ चुका मेरे, जब मैं पीछे से ही देखता आ रहा हूँ धीरे धीरे आगे गाड़ियां आए मेरे, वो सब रुक रही हैं। तो मैंने कहा तैयार कर लिया था मैंने अपने आप को, इसे क्या कहना है मेरे को। जेब में से 500 का नोट भी निकाल लिया था मैंने कि भाई अगर ज्यादा करेगा तो ले यार पकड़ जा, जान दे मुझे। आई एम सॉरी टू से ओपनली बोल रहा हूँ, हमारे बड़े 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 पदों पे बैठने वाले ओपनली बदमाशी कर रहे हैं, तो हम तो ये बदमाशी नहीं अपनी जान बचा रहे हैं, हम तो वो तो लूटने के लिए बदमाशी करते हैं, हम तो अपनी जान बचा रहे हैं। खैर यहां तक भी नौबत नहीं आई, उससे पहले उसने इशारा कर दिया। पीछे वाले भी हैरान कि भाई इसे क्या हो गया, ये कौन सा VIP है ये। बड़ा मजा आया, बहुत हंसी आई मुझे। तो होता है ये भी, और मेरा जाना बहुत जरूरी था उस वक्त वहां पे। तो बेटा जब शक्तियां साथ होती है ना, शक्ति अपने बहुत सारे उदाहरण देती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, मैंने वैसे शायद पहले बताई हो, शेयर की हो। मैंने 3-4 साल पहले एक बाइक खरीदी, मैंने सेकेंड हैंड बाइक थी। तो जब बाइक की चाबी आई, वो चाबी अकेली थी, अच्छा उसमें कुछ नहीं था, एक रिंग पड़ा हुआ था और चाबी थी। तो मैं सोच रहा था इसका इसका ना की रिंग ले आता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जेब में अटकाने के लिए। इतना सोचा ही था, अगले दिन यहाँ पे परम चैतन्य दिवस आ गया, फरवरी की बात है ये। तो मैं निर्मल धाम चला गया, निर्मल धाम में गया तो वहां रजिस्ट्रेशन कराया, तो वहां पे उन्होंने गिफ्ट दे दिया, इतना सा डिब्बी थी। तो ठीक है मैं ले आया, जब मैंने घर आके खोली तो वो कीरिंग थी। इंटरेस्टिंगली आज भी उस चाबी में वही कीरिंग लगा रखी, मतलब वो कीरिंग ही थी। मुझे बड़ी हंसी आई सी माता, मैंने कहा इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी आप हमारा मनोरंजन करते हो। तो इतनी हंसी आई, मैंने कहा हद है, माँ सही कहती है, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं, जो तुम्हारे अंदर आता है, आप जो तुम बच्चे हो मेरे, तुम्हारे अंदर जो आएगा मैं उसको सही लगेगा तो पूरा कर दूंगी। और जो बहुत से लोग बच्चे पीछे पड़ जाते हैं माँ के, कर दो कर दो, भैया एक चीज समझनी चाहिए, अगर वो हमारे अंदर बैठी है, यदि वो पूरा नहीं कर रही है ना, तो उसमें हमारा कोई हित है। माँ के पीछे ना पड़े हम कभी भी, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने दो छोटे से उदाहरण डाले, कोई मिरेकल नहीं है ये, माँ की एक कहते हैं ना, माँ हमारा मनोरंजन करती है, रिक्रिएशन है उनका ये और हमारा भी। हाँ बस मजा आता है ऐसी बातें देख देख के, बहुत सारे किस्से होते रहते हैं ऐसे, तो मुस्कुराहट आती है खाली। अच्छा वाह माँ की तरफ देखूंगा, अरे ये भी अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं ऐसे। श्री माता जी ने आपको कोई और काम के लिए बुलाना होगा ना, तो फिर हाँ वेस्ट ना हो वही तो, देखिए पहले। इसलिए तो सारी पर्दे, मतलब उस पट्टे को कुछ दिखाई नहीं दिया, वो जो सबको रोक रहा था, पता नहीं उसने मेरे को यूं इशारा कर दिया, मैं आगे फटाक से चला गया, बकायदा बैरियर हटाया उसने, मेरा बैरियर लगा हुआ था, बैरियर हटा के मुझे तो इशारा कर दिया, बाकी को फिर बैरियर लगा दिया पीछे से। तो ये मैं देख के बड़ा एहसान हुआ, मैं पीछे अपने व्यू मिरर में देख रहा था, मैंने कहा ये माँ खेल आपका भी न्यारा है, इंटरेस्टिंग। अब जब इस हद तक श्री माता जी हमें अपना साथ का एहसास कराती हैं, तो हम इन लुच्चे लफंगे अत्याचारियों से, ये जो लुटेरों से क्यों डरे भाई? माँ से बड़ी शक्ति तो इस धरा पे है नहीं, और इनकी हैसियत क्या है इनकी? ये बेईमानी कर करके सत्ता को हासिल कर लिया या पदों को हासिल कर लिया, तो क्या ये माँ से बड़े हो जाएंगे? तो ये सब चीजों का माता डर, जी के वॉरियर, बिल्कुल उन्हें श्री क्या माता डरने जी की के जरूरत वॉरियर है? को कोई बैठे ना रोक सकते। जो जो रक्षा जो हमारे बॉर्डर्स पे रहते हैं, वो तो मरने को तैयार ही तो है, तभी तो गए हैं वहां पे। अगर कायर होते तो वहां बॉर्डर पे कहां जाते, वो तो नौकरी नहीं करते।
भागाते, आर्मी छोड़ के भागाते वो तो, अगर कायर होते तो। शक्तिशाली लोग हैं तभी तो बॉर्डर पे हैं। तो अगर आप सोल्जर हो तो कायरता तो बिल्कुल विरोधाभास है ना, कायर तो हो ही नहीं सकता ना सोल्जर। अगर कोई कायर है तो वो सोल्जर नहीं है, अगर वो सोल्जर है तो वो कायर नहीं हो सकता। ना उसे अपने मरने का डर होता, ना उसे अपने फैमिली के परेशानी आने का डर होता, कोई डर नहीं होता है उसको। उसे पता है मैं पूरी फैमिली छोड़ के आया हूं, ईश्वर देखेगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ के जाते हैं वो, सोचो फैमिली को पूरी। और फैमिली बहुत तकलीफ में आती है लेकिन फिर भी वो वहां बॉर्डर पे, उसे पता भी लग रहा है मेरी फैमिली तकलीफ में है लेकिन फिर वो ड्यूटी निभा रहा होता है। तो ये उसका एक अनकंडीशनल सरेंडर है। वो पैसे कमाने के लिए नहीं बॉर्डर पे गया है, पैसे तो वो 10 तरीके से और भी कमा सकता था, वो गया है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। ये बात तय है। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है, मुझे दुख इस बात का है। वैसे खैर सारे में भ्रम भी फैलाया है, जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइनर हैं, सबसे पहले विरोध उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, कायरता दिखा दी। अब आगे तक मुसीबत आ गई सबके लिए। शुरू में ही कायदे में अगर वो वॉरियर हैं, फ्रंट वॉरियर, तो उन्हें गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए था। अफसोस यह है, या तो उनके अंदर अज्ञानता रही है या उनको दबाव ने, दबाव आ गया। दबाव किस बात का? मान लो सारे कहते हम नहीं लगवाते तो क्या कर लेते, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें जबरदस्ती लगा सकता था? सोचो जरा थोड़ी देर के लिए। हमारे जितने भी फ्रंट वर्कर हैं, वॉरियर हैं, हेल्थ वर्कर जो हैं, वो एक लाइन में एक सुर में कहें कि नहीं लगवानी, तो काम खत्म था, आगे भी नहीं बढ़ती है। पर वो इसका कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन गए ना, चाहे वो कायर बने चाहे वो अज्ञानता में बने, पर वो फंस गए ना। वो फंसे तो बाकी भी फंस गए। डॉक्टर्स को तो इन्होंने धमका दिया आईसीएमआर ने कि भैया अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे अगर तुमने हमारे विरोध किया, वो भी डर गए। कायदे में वो भी गलत हैं। जब आप डॉक्टर बन के मानवता की सेवा कर रहे हो तो गलत बातों क्यों छुपा रहे हो? सही बातों को संसार के सामने लाओ ना। अब 3-4 डॉक्टर पिछले 1.25 साल से लगातार जागृति देने में लगे हुए हैं बिना अपनी चिंता किए। उन्हें धमकियां भी मिलती हैं, उनको हर तरीके से तंग किया जाता है, उनके वीडियोस डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो आज ही वही काम कर रहे हैं ना, डेडिकेटेड है ना, अपने देश के लोगों से प्यार है ना, मातृभूमि से प्यार है ना, सत्य से प्यार है ना, वो गुलाम नहीं है ना। लेकिन जो इतने बड़े बड़े नामी डॉक्टर हैं वो गुलाम है, पैसे के गुलाम है। उन्हें अपनी संपत्ति बचानी है, अपना धन बचाना है, तो इसलिए हर चीज को माने जा रहे हैं, लगातार उल्टी सीधी बातें खुद ही फैलाते हैं। इसके बारे में, इन ये जो डोजेज हैं इनके बारे में गलत चीजें उन्हें मालूम है, फिर भी वो उन्हें उल्टा ही बता रहे हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, अच्छा है वो है। उसके सारे रिजल्ट तो खराब आ रहे हैं आज की तारीख में। और सबसे खतरनाक काम क्या किया? जिससे समाज में बचते लोग उन्हें पहले लगवा दी, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लगवा दिया, पुलिस के लगवा दिया, जो आड़े वक्त में काम आते वो अब उन्हें बीमार करने का षड्यंत्र हो गया है। पता नहीं बेचारे, मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मजबूरी में लगवा दी है जिन्होंने, भगवान श्री माता जी उनकी रक्षा करें। इन्होंने तो पूरी कसर नहीं छोड़ी है हमारे देश को बर्बाद करने में। मान लीजिए जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, खराब स्थिति हो जाए इनकी, पुलिस की खराब स्थिति हो जाए, तो क्या होगा हमारे देश का? कोई भी लुटेरा बाहर से आएगा, लूट के ले जाएगा हमारा देश। है नहीं कितनी खतरनाक बात? ये भी अंदर दुख लगता है सोच के। मैं ठीक है, पुलिस वाले ऊपर के जो नेता होते हैं उन्हें पैसे चाहिए, दबाव में आकर पुलिस वाले भी पैसे जनता से ले लेते हैं, पर सारे पुलिस वाले खराब तो नहीं है ना, सारे फोर्सेस वाले लोग खराब तो नहीं है ना। उनमें से 2-4 लोग ही होंगे जो जनता को सताते हैं, ज्यादातर तो अच्छे ही लोग हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? आवाज नहीं आ रही मेरे को? आ रही है आपकी तो फिर उसकी, सीता की आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? इशिता? बोलो, मेरी आवाज आ रही? अब नहीं, आइए। धीरे बोलती है वो। नहीं अभी आई है आवाज, तो पहले तो इसको मुंह ही हिल रहा था, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। नेट में शायद प्रॉब्लम हाँ है। नेट में आई है प्रॉब्लम, मेरे को आवाज नहीं आई।
तो है ना, चिंता होती है ना बेटा इशिता, हमारे जितने भी पुलिस वाले हैं जो अच्छे लोग हैं उनकी चिंता होती है मुझे। वो हम लोगों की, बहुत सारे पुलिस वालों ने कितनी सहायता की है, कुछ पुलिस वालों ने सरकार के दबाव में आके लूटपाट की है जबरदस्ती, लेकिन ज्यादातर पुलिस वालों ने सहायता भी की है। ऐसा नहीं है, मैं तो दोनों ही को ही देखता हूँ, सारे लोग खराब थोड़ी हैं। अब उनको इन्फेक्टेड कर दिया, उनको इन्फेक्टेड कर दिया तो देखो कितनी बुरी हालत होगी। आरएफ वालों को इन्फेक्टेड कर दिया है। अभी मैंने कहानी बताई थी ना, अरे जो हमें लगेगा बाहर लग जाएगा, लेकिन हम जबरदस्ती क्यों लगा लें वायरस अपने, कोई समझदारी है इसमें? मेरे तो समझ में आती नहीं बात ये, मेरी अंतरात्मा इस चीज के लिए तैयार नहीं है भाई, मैं तो यही भाषा बोलता हूँ फिर। हाँ बेटा बताओ, और क्या कह रहे थे आप, आपकी आवाज नहीं, बस मैं यही कह रही थी हो गया। कि हमारे घर के आसपास भी जो नेबर्स रहते हैं ना, उनकी भी इतनी बुरी हालत हो गई है वैक्सीन लगवाने के कारण। वो वेंटिलेटर पे हैं। माय गॉड, वेंटिलेटर पता है किसे कहते हैं? ताबूत। उससे तो बचना बहुत मुश्किल है। 99% लोग वापस नहीं आते, 1% लोग बड़ी मुश्किल से लकी लोग बचते हैं, 99% तो कोलैप्स होंगे उस पे। अरे सारे में हो रहा है, सारी खबरें आती हैं मेरे पास, ये इसकी स्थिति आ गई, इसकी ये स्थिति आ गई, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भाई, मत करो ऐसा। आप लोग विरोध करोगे तो कोई नहीं लगा सकता आपके वैक्सीन। कितनी बुरी हालत हो रही है, बस हद हो गई, क्या करें। अब ऐसे को आप क्या करोगे जो खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। शिमाता जी से केवल ये कह सकते हैं, शिमाता जी इनको सुबुद्धि देना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। जैसे हम लोग उनको वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं या चीज से बताते हाँ हैं, वो समझना ही नहीं चाहते हैं उन्हें। मैं तो हाँ खुद बहुत सारे लोगों के साथ देखती हूँ, जब उन्हें कुछ समझाते भी हैं तो वो सुनते ही नहीं है। अरे नहीं मैम, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमें ही कहानी सुना देते हैं। अब क्या करें, जो चाहता ही नहीं ठीक होना, जो संभलना ही नहीं चाहता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कांट हेल्प देम। खुशी खुशी आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ ये तो वही बात हो गई, पंजाबी में कहते हैं ना, नी बलिए चल लड़िए, तो मैंने कहा नी बलिए चल मरिए, नी बलिए चल मरिए। अच्छा भाई मरो फिर, हम क्या करें। खुशी से, मतलब बिजनेस क्लास है, जैसे फोर्स वगैरह में तो एक कंपल्शन हो गई जॉब के लिए व्हाटएवर, पर यहाँ तो बिजनेस क्लास है, उनको समझ ही नहीं आनी क्या कर रहे हैं, बस मैं धक्के कह रहा खा हूं, रहे हैं। फोर्स वाले भी एक बार अच्छे से इसको स्टडी कर लेते, स्टडी, तो वो तो कहते नहीं हमने, हमें तो नहीं करानी, तो कौन उन्हें मजबूर कर सकता था, इतनी ताकत है कि सबको ये मजबूर कर दे, ये नालायक सत्ताधारी सबको मजबूर कर सकते हैं क्या। हमारे देश की फोर्स अगर अड़ जाए कि नहीं करना हमें, तो क्या कर लेंगे भाई। मैं वही है, मतलब मतलब फोर्स में भी इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बट रैशनल थिंकिंग ये किसी की सबकी मति भ्रष्ट हो गई है। कोई सोच ही नहीं रहा दूसरे लाइन में, उनको लगता है डॉक्टर्स पागल हैं, साइंटिस्ट बेवकूफ हैं, हमारे यहाँ लोग ऐसे क्यों करेंगे। जो आप जो कह रहे हैं वही गलत है, वो हम ही लोग को सिखा दें। जो पिछले साल मैंने कहा था उसके परिणाम तो आप सबको दिख ही रहे हैं, अब पिछली बार भी मेरी हाँ यही भाषा थी और आज हम लोग तो भी। समझ ही गए हैं, पर जैसे ऐसा लगता है ना, जैसे हमें भी, हम लोग को भी तो नहीं पता था, पर जब पढ़ने लगे समझने लगे तो समझ आया ना, पर औरों को तो समझ में, उन्होंने तो सोचे हमें समझना ही नहीं है। इसीलिए तो शिवाजी ने अंदर से प्रेरणा दी थी बी अवेयर ग्रुप बनाने की। हाँ राइट राइट, उसी की वजह से ही आया है, सच बता रहे हो। आपने वीडियोस शेयर किए, उसके बाद उससे रिलेटेड वीडियोस समझने लगे, देखने लगे, तभी तो इतना समझ आया, नहीं तो आता ही नहीं। हम भी शायद ऐसी समझ नहीं पाते कि टेलीविजन हम लोगों पर को। और अखबार में इसकी न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए ना देखनी चाहिए, ये तो आपको मैस्मराइज कर देते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक सिंपल सिंपल चैनल को उठाओ और उसको देखो,
जो ऐसे ही लोग एट्रेंडम बना के दे देते हैं, है ना, अचानक बना लेते हैं, वो वाली चीज देखनी चाहिए हमें समाज में, वो सही होती है। जितने भी बड़े बड़े स्टूडियो, जितने भी बड़े बड़े स्टूडियो लेके बैठे हैं ना, वो सब फर्जी हैं। जो एक सीधा सच्चा सा अपने घर में एक कोने में बैठकर बता रहा है ना, वो बिल्कुल सही है आज की तारीख में, और वो टैली हो रही है सारी बातें। ये राजीव दीक्षित ने भी, उजी ने भी कहा था कि जिस सामान का बहुत ज्यादा विज्ञापन आता है उसको खरीदो ही मत, वो कचरा ही निकलेगा। विज्ञापन करने की जरूरत तभी तो है, अगर असली चीज होगी तो उसे विज्ञापन की जरूरत क्या है। अब श्रीमाता जी ने कभी भी टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं दिया, क्योंकि असली चीज देनी थी उन्होंने। टीवी पे तो सेलेबल प्रोडक्ट बिकते हैं, ये टीवी वाले सारे अरबपति खरबपति मौज कर रहे हैं, गुरु घंटाल वही तो, सारे गुरु घंटाल हैं ये, मौज कर रहे हैं ये, और पब्लिक पागलों की तरह इनके पीछे भागी रहती है। बड़ा अफसोस होता है। अब तो मुझे अफसोस ज्यादा नहीं होता, मैं कहता हूं भैया तुमने खुद ही मरने की ठानी है तो हम कौन रोकने वाले तुम्हें, जाओ मजे करो, मरो अच्छे से, नए नए तरीकों से मरो, हमें क्या दिक्कत है। पर हमें तो उन लोगों को जागृत करना है जो अच्छे लोग हैं, जो गुरु घंटालों के पीछे नहीं है, बस उन्हें मालूम नहीं है कि हम आगे कैसे चले। हम उन लोगों के लिए हैं। हाँ अब इतना भी समझ में आ ही गया है, बस अपना काम कर देते हैं, पर देखो, दुख अभी नहीं। श्रीमाता जी ने हमें भेड़ बकरियों को गाइड करने के लिए नहीं बनाया है। हमें जो बनाया है, तैयार किया है, उन लोगों के लिए जिनके अंदर जेन्यून फीलिंग्स हैं, जो जेन्यूनिटी को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और सत्य को पाना चाहते हैं, हमें उनके लिए बनाया है। भेड़ बकरियों के लिए थोड़ी बनाया है, हम कोई गडरिए थोड़ी है। अब गडरिया पूरी जिंदगी भेड़ों के साथ रहता है, गडरिया कितनी ही कोशिश कर ले पर भेड़े नहीं सीख पाई उससे कुछ भी आज तक। कभी आपने देखा है भेड़े कुछ सीख पाई हो? नहीं लेकिन अगर गडरिये के साथ डॉग रहता है, डॉग हर चीज सीख जाता है। इंटरेस्टिंग बात देखी है तुमने? लेकिन भेड़ नहीं सीखती, क्योंकि भेड़ गडरियों को नहीं देखती है, वो भेड़ दूसरी भेड़ को ही देखती है जो उस जैसी है ना। इंटरेस्टिंग बात अगर हाँ, ये बात तो सही है। भेड़ गडरिए के इशारे समझे तो कभी भी गड्ढे में ना जाए, भेड़ दूसरी भेड़ को देखकर चलती है, इसलिए फंसती है वो हमेशा ये हमारी हालत भी तो इंसानों की यही तो है, वो बस दूसरों की रीस ही तो कर रहा है हर चीज एग्जैक्टली, में। इसीलिए तो मैंने उदाहरण दिया। हमारे समाज में भेड़ बकरी की तरह लोग हैं जो गडरियों को नहीं देख रहे कि गडरिया किस भाव में उसको ले जा रहा है, क्या उद्देश्य है गडरिये का, बस एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चल रही है धड़ाधड़। तो यही हाल आज हो रहा है। फोटो खिंचा खिंचा के डाल रहे हैं, आहा पहली वाली दूसरी वाली, और बाद में पता लगता है अरे कहाँ है भैया वो, क्या हुआ भैया वो तो हॉस्पिटलाइज है, अभी तो सही थे। हाँ जी, वो दूसरी के बाद हो गया वही तो, काम है, हो रहा है ना ऐसा। और खुशी से, अरे मेरे स्कूल में ही हुआ, जो हेड है उन्होंने लगवाई तो उन्होंने फिर प्रमोट किया, लगवाओ, इट इज सेफ, नथिंग हैज हैपेंड, डोंट गो विद द होक्स। और फिर मैं मन में सोच रही हूँ अच्छा हुआ मैंने सही डिसीजन लिया एक बात बता भेड़ों के साथ दूँ, नहीं चलते। इन भेड़ों को समझ में आना हाँ नहीं है, पर जो भेड़ नहीं है उनके लिए एक बात कह रहा हूं, अगर दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी काटेगा ना, तो मौत हाँ में 2 घंटे लग जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं ना, अरे हमें तो कुछ होने का नहीं है, 1 महीने में कुछ नहीं है, 2 महीने में कुछ, महीनों बाद पता आएंगे इनकी हालत। हम हाँ मैं अपनी एक और एक फ्रेंड से यही कह रही थी, मैंने कहा फार्मा वालों का काम तो सेट है, पहले ये वैक्सीन बेची, उसके बाद ये बीमारियों का मार्केट रेडी हो जाएगा, हर कोई कुछ ना कुछ नहीं तो एग्जैक्टली, बैठेगा ही। किसी किडनी किसी का ब्लैडर किसी का ये जाएंगे और उनका धंधा और चमकेगा, क्योंकि सारे अंग तो और खराब कर क्या, दिए इन्होंने। इसके रिएक्शंस तो आने ही आने हैं, क्योंकि किसी पे ट्रायल तो हुआ नहीं है, ट्रायल तो हम ही पे हो रहा है। अब वो जमाना लद गया
जब मेडिकल साइंस में जो प्रयोग होते थे वो मानवता को बचाने के लिए होते थे, आज तो इनका एंगल ही बदल गया है। आज मानवों को बीमार करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज निकाली जाए जिससे इंसान बीमार पड़े और हमारा धंधा चमके। आज सब बदल गया है, ये सही में समझ लेना आप। आज तो जरूरत किस चीज की है, आपके अंदर आपका गाइड बैठा है, अंतरात्मा है, उनकी सुनो और उनके हिसाब से चलो। और दाढ़ी वाले बाबा ने तो कह ही दिया अभी 19 मिनट की वार्तालाप में कि भैया सब अपना अपना देख लो, हम कुछ नहीं करेंगे। ओपनली बोला है ना, सब अपना अपना देख लें। तो हाँ जब अपना 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 देखना ही है तो इन दुष्टों की बात हम क्यों माने? हमने अपना देखा भाई, हम तो जानते हैं हमें नहीं करना ये काम। जब तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकते देश की, तो हम क्यों जिम्मेदारी लें अपनी? हम तो अपनी जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं ना एटलीस्ट। हाँ भाई तुम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ गए, तो हम तो अपने अपनी रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। हम तो अपने शरीर की और अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभाएंगे ना। बिल्कुल, और हमारा राइट है ना, ये फ्रीडम भी तो और हमारी क्या, है, हमारा हमने राइट अपनी है। मर्जी से माना, हम क्यों ऐसे किसी के हाथ में दे दें, अपनी मर्जी से दे दें, और क्या, कभी नहीं देंगे। तो ये बात जरूरी है। जब आपके आपका कोई पर्स छीनने आता है तो पर्स छीनने में आप पूरा संघर्ष करते हो, आसानी से नहीं ले जाने देते उसे। तो भाई आप तो अपनी जिंदगी देने को तैयार बैठे हो, कोई आपसे जिंदगी छीन रहा है आपकी, आपका स्वास्थ्य छीनना चाह रहा है और आप खुशी खुशी दे रहे हो, तो मूर्खों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मूर्खता के सिवा और हाँ क्या है? बिल्कुल, मैं पूरी जिंदगी गर्म दवाइयां नहीं खाता तो मैं क्यों गर्म चीजें अपने अंदर डालूं इन मूर्खों के कहने से? और जब हमें पता है तब तो बिल्कुल ही नहीं ना, हाँ, हम कोई अनपढ़ गंवार है जो हमें मालूम नहीं है? नहीं है। अरे हम विद्वान नहीं है तुम्हारी तरह एक डिग्रीधारी, पर हमने कुदरत से एक चीज तो सीखी है, वो ये है कि कुदरत ने जो हमें बनाया उसने हमारी व्यवस्था हमारे अंदर ही कर रखी है। हम तुमसे क्यों जाने ये बात? हम क्यों, हम उसकी खिलाफत क्यों करें? हम प्रकृति की खिलाफत क्यों करें? हम अपनी रचना की खिलाफत क्यों करें? तुम्हारे तुम्हारे अपने लालच पूरे करने के चक्कर में तुम तो अपने लालच पूरे कर रहे हो और हमारी जान ले रहे हो। ये सीधी सीधी हत्याएं हाँ हैं, अनडिक्लेयर्ड किलिंग है, ये असैसिनेशन है, अनडिक्लेयर्ड। ये है भी, और लोगों को समझ ही नहीं असैसिनेशन एट आता। मास लेवल। हाँ यस, अब ये जो दिख रहा है ना तुम्हें असली चारों तरफ, कर, अब ये चारों तरफ जो दिख रहा है ना, वो यही इन्हीं के कुकर्मों के परिणाम है ये। हाँ हर किसी के घर में कोई बीमार है, बुखार है, बच्चे अलग, माँ बाप अलग, बड़ी समस्या। सबको अपने परिवारों के लिए एक डिसाइड कर लेना चाहिए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे बस। फिर ये जो स्ट्रेंथ आपकी फैमिली लेवल पे जो स्ट्रेंथ बनाओगे ना, तो ये सोशल लेवल पे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। जो कोई हिला नहीं सकता, माई का लाल पैदा नहीं हुआ ऐसा हिलाने वाला। ऐसे ऐसे जो स्वांग रचने वाले ढोंगी तो बहुत आए, बहुत मर गए, कोई नहीं हिला सकता। यदि आप अपने परिवारों में नहीं समझोगे इस बात को, इस रहस्य को, तो फिर आप अलग थलग पड़ोगे। हालांकि आपकी रक्षा तो शिमाता ही कर लेंगी, तो परिवार की रक्षा नहीं हो पाएगी फिर। ये बात मैं बता रहा हूं। एक तरफ हम अपने परिवार की लिए सारी सुविधाएं जुटा देते हैं, सारी सुविधाएं जुटाते हैं, जय जाल लगा देते हैं, पर ये जो मौत का सामान बांटने वाले सौदागर हैं, ये हमारे परिवारों के लिए मौत का सामान बांट रहे हैं और हम खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। ये कैसी अज्ञानता है? ऐसी कैसी मूर्खता कर हाँ रहे हैं हम ये? एनी इट इज ए फुलिशनेस। वही तो, इनका टारगेट पता है क्या है? एक समय में जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वही ज्यादा फंस रहे हैं इसमें। इनका टारगेट क्या है? इनको ऐसा कर दो,
इनके इनकी संतानें, इनका परिवार रोटी खाने लायक या जीने लायक रहे तो इनकी संपत्तियां हमारी संपत्ति हो जाएंगी अपने आप ही। मान लो पूरा पूरा परिवार ही 10-5 साल में निबट जाए तो वो संपत्ति किसकी हुई? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की। हाँ समझ में आ रही है राइट, बात तुम्हें? हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे वो कोरिया में भी तो ऐसे ही है, आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, सब सरकार का है, कार नहीं खरीद सकते। अरे मैं कहूं कोरिया वाले भी नालायक और बिल्कुल कायर है, सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या कर लेगा ये किम जोंग? इकट्ठे होके मार दो इसके सारे कारिंदों को, क्या दिक्कत है? पर डर है ना, डर और लालच। देखो जो स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ वही इंसान को कायर बनाता है, और जो कायर होता है वो कभी भी संघर्ष करने लायक नहीं होता, वो गुलामी करता है। जो निडर है उसको कोई दुनिया में गुलाम नहीं बना सकता, और जो गुलाम नहीं हो सकता तो बस समझ लो वो क्या करेगा, वो क्रांति ही लाता है। हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सेना तैयार की थी, वो कौन लोग उसमें शामिल थे? जो निडर थे, जो अपने हाँ प्राणों जो की आहुति देने को सरेंडर्ड तैयार थे कि थे, हम तो हर लेवल पर। वो जो एहसास है आज भी समाज में कायम है कि भाई नहीं, इनसे पंगा नहीं लेंगे भाई, ये गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, आज भी डरते हैं लोग, है नहीं बात सही? कि वो अपनी और अपने साथ वालों की रक्षा के लिए हर लेवल पे खड़े हैं। और जबकि उनके पास तो केवल उनकी अंदर आत्मिक बल है, हमारे साथ तो पूरे ब्रह्मांड की मालकिन खड़ी हुई है तब भी हाँ हम डरपोक से और गुलाम से क्यों बन रहे हैं हम? व्हाई व्हाई वी आर बीइंग स्लेव? नहीं, हम नहीं है बट नहीं, ना एक मैं हमें, आसपास। हमसे मेरा मतलब है हमारी पूरी, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है सैर साधक साधिकाओं की, चाहे वो अंधभक्त हो चाहे वो ऐसे लोग हों जो डरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ अब मैं कितने दिन से ऐसी चीजें लिख रहा हूं जो सत्ता के विरोध में है, मुझे पता है एक दिन ऐसा होगा कुछ मेरे साथ गलत करेंगे लोग, करने दो, क्या गलत कर लेंगे, सामना करेंगे उस चीज का, पर हम गुलाम नहीं बनाए जा सकते, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। बिल्कुल मैंने कहा ना, डू डाई और किल, तीन ही चीज समझ में आती है मुझे। हाँ डू में क्या आता है? अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करो। डाई, अगर कोई जबरदस्ती दबाव में आके आपको गुलाम बनाना चाहता है तो मरने को तैयार रहो। किल, यदि आपके परिवार पे कोई आफत आने वाली है तो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए सेल्फ डिफेंस करो, और किसी को मारना पड़े तो मार भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डू डाई और किल, ये याद रखना। संघर्ष डूइंग में आता है, डाई यानी कि उस रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहना, और किल, शत्रुओं को तो मारा ही जाता है भाई, उन्हें कौन परोसता है थालियां? अब हमारे सैनिक जो हैं बॉर्डर पे बैठे हैं, शत्रु यदि आक्रमण करेगा तो उसे मारेंगे ही, उन्हें कौन सी आरती उतारेंगे उनकी? तो हम भी तो वही हैं। ये वाली बात आज सुन के तो मेरे को बहुत सारे सहजी एक स्टैंप लगाने वाले हैं कि भैया ये सहजी नहीं हो सकता, ये तो मरने मारने की बात करता है, ये तो शिमाता जी पे कुछ भी नहीं छोड़ता है। जसलीन, मुझे तो ऐसा लगता है ना, अगर हम ऐसे लेवल पे नहीं सोचते तो हम किस लेवल पे फिर हम रेडी हुए? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मुझे तो यही सहजयोग समझ में आता, अगर यही ये है तो सहजयोग है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर एक बात, हमारे में स्ट्रेंथ नहीं है सच को सच कहने की, हमें हमारे अंदर ताकत नहीं है अपने लिए खड़े होने की, और ग्लोबल लेवल पे अगर हम नहीं सोचते तो हम किस काम के, हम बेकार है। तो हम तभी सहजी अगर हम ऐसे हैं, नहीं तो हम है ही नहीं। बिल्कुल
लोग कहेंगे सहजी हिंसक नहीं हो सकता, तो सहजी क्या मरगिल्ला है? कोई चार थप्पड़ मारे उसे तो वो एक थप्पड़ भी ना लगा सके क्या? हाँ सनातन और ने तो एक लेक्चर में कहा क्या, है, सिमाताई के सामने कोई, सिमाताई के सामने कोई बोले जा रहा था, सिमाताई ने कहा चुप बैठिए वरना आपको उठा के बाहर फेंकवा देंगे हम। आप हमारी टोन सभा में इसलिए बोला है आके, कि टोन कम है। उन्होंने कहा हमारी सभा में आके वो बकवास कर रहे हैं आप, उठा के बाहर फेंकवा देंगे हम आपको। हाँ, मैंने वो देखा है, ऑस्ट्रेलिया का वो तो है सबने सुना है टाइम्स। ना। और एक तरफ हम हाँ कहते हैं हम सीमाताई को फॉलो करते हैं, पर हम तो कायरता को फॉलो कर रहे हैं। हमारी माँ कब से इतनी कमजोर हो गई, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूद कर भाग लिया, वो कब से कमजोर हो गई और उनको हम फॉलो कर रहे हैं। जब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, इतनी शक्तिशाली माँ को जिन्होंने साधारण मनुष्य के स्तर पर भी संघर्ष किया है, अनेकों कष्ट उठाए हैं, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ ने मतलब एक स्वाहा कर दिया, उनके माता पिता कितने साल तक जेल में रहे हैं, उन माँ को हम फॉलो कर रहे हैं और हम इतने कायर हैं। ये कैसा विरोधाभास है? एक ही चीज माने, या तो हम फॉलो कर रहे हैं माँ को या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं नहीं ना, होता है। आधा सच आधा झूठ कुछ नहीं होता, या तो झूठ होता है या सच होता है। अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम मां को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बस दो में से एक ही चीज निकल के आएगी सामने, या तो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बस। राइट? बिल्कुल। मानो ब्रिटिशर्स जब आए थे और अगर हम उनकी स्लेवरी कर रहे थे तो हम करते रहते हैं, हमने क्यों रिवोल्ट किया इंडिपेंडेंस के ना लिए? ना, हमारे गलत था बहुत, तब हमारे ना? ज्ञानी, हमारे लोग ज्ञानी कहते हैं नहीं, स्वतंत्रता के लिए क्यों लड़ रहे हो भाई, ये तो माँ कर देंगी अपने आप ही। शुक्र है उस वक्त हाँ माँ, वही तो। माँ ने कार्य नहीं शुरू किया था, वरना ये तो तब अंग्रेजों के लिए भी यही कह देते माँ कर लेंगी। हाँ वही तो। मानो गलत है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी ना, कोई ऊपर से थोड़ी आ और जाएगा, हम ही में से तो आवाज जबकि आएगी। सीमाताई साफ कह चुकी हैं आप लोग मेरे हाथ पैर हो, तब भी हम कहते हैं माँ करेंगी। अरे ठीक है, माँ दूसरे रूप में करती हैं। माँ पता है कैसे करती हैं, जो मुझे महसूस हुआ, माँ हमारे हृदय में प्रेरणा देती हैं, जो करना होता है उन्हें कराना होता है, वैसी ही प्रेरणा हमारे हृदय में देती हैं और अपनी शक्तियों के साथ खड़ी होती हैं हमारे, और उसके बाद हमसे ही कार्य कराती हैं। वो इस तरीके से करती है, ये मुझे महसूस हो रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब ये फिल्मी स्टाइल में अंतरिक्ष से अचानक से शक्तियां प्रकट होंगी और आताताइयों को श्रृंगार करेंगी, ये सब नहीं होने वाला है। हमारे ही माध्यम से होना है जो हाँ, होना है, ये समझ लेना। चाहे हमारे अटेंशन के माध्यम से शक्तियां मैंने कार्य अपने करें। अंदर भी इसी तरीके से परिवर्तन देखा कि अब अगर गलत हो रहा है तो अब बर्दाश्त नहीं होता, इतनी तेज गुस्सा आता है ना, और वो मेरे लिए नहीं है, वो सभी के लिए होता है कि ये गलत है तो बोलना है। तो यही वाली फीलिंग आती है कि पहले ये नहीं था, अब ये है, इसका मतलब ये प्रेरणा श्री माता जी दे रही है, क्योंकि अब हम ज्यादा समर्पित हैं, अब हम हर वक्त उनसे जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो चलो, आज का तो बड़ा मजेदार रहा सेशन। पहले काम कराया सीमाताई ने, उसके बाद इनकी विवेचना करा दी, दूध का दूध पानी का पानी। अब भी अगर कुछ ना समझ में आए तो भाई अब क्या कर सकते हैं हम किसी को। तो क्षमा चाहेंगे देखने वालों आपसे, यदि आपकी कुछ भावनाएं वावनाएं आहत हो गई हो, पर यदि आपके हृदय सत्य को आत्मसात करने को तैयार हैं तो आपकी भावनाएं नहीं आहत हुई होंगी, बल्कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ होगा। हुआ है ना? हाँ, आपकी चेतनाएं मुझे ये भी बता रही हैं, कुछ लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है और कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं भाई। अब कंफ्यूज वालों का कुछ नहीं हो सकता। चलो, जब तक कंफ्यूज हो चलो क्वारंटाइन पे चले जाओ, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़े दिन के लिए। हाँ मुझे आपकी ये वाली बात भी याद आ रही थी कि जब हमारी पिछले सेशन में बात हुई थी, जब हम बीमार भी पड़ते हैं तो वो टाइम हमारे अंदर जुड़ने का होता है, और यस, उस समय हम अपने शांति से बैठ के जुड़ना चाहिए।
अब जैसे कहते हैं ना, ये सो कॉल्ड जो एक वायरस है उसके बैलेंस करने के लिए क्वारंटाइन करते हैं, हैं? तो हाँ इसके लिए मैं एक नाम देना चाहता हूँ इस वाली अवस्था के लिए। जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए एक वर्ड आज मैं तैयार कर रहा हूं, कंटम्प्लेंटाइन हो जाओ थोड़े दिन के लिए। नया वर्ड जोड़ रहा हूं अंग्रेजों तुम्हारी डिक्शनरी में, कंटम्प्लेंटाइन यस यानी कि चिंतन करो। तो जसलीन एक नया वर्ड जोड़ दिया, इंग्लिश की टीचर हो तुम, रख लो इसे उठा के वर्ड को, कई जगह काम आएगा बिल्कुल भाई। क्वारंटाइन से कंप्लेंटाइन हो गया हाँ ना। जी यस जब आप कंफ्यूज लोग कंटेम्प्लेंटाइन नहीं कंटेम्प्लेंटाइन होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। ईमानदारी से हो जाओ ऐसी स्थिति में। चलो और बताओ, समाप्त करें अब। हाँ जी, जैसे आपके अंदर से आए। नहीं, मेरे अंदर से तो पूछना आता है। नहीं, अभी और कोई आई नहीं ना। तुम बोलो साथियों, मेरे ना आईज में आज बहुत स्ट्रेन आ रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बंद करा है। अंदर से नहीं, दर्द वो होने तो लग कोई गए। बात नहीं है, वो तो सारे दिन तुम्हारी ऑनलाइन ही क्लासेस होती हैं। हाँ, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया, बहुत स्ट्रेन आने लग गए। अब इन मनहूसों के कारण हम बचपन से बच्चों को कहते थे, बच्चे मोबाइल मत देखो आंखें खराब हो जाएंगी। इन मनहूसों ने मजबूर कर दिया बच्चों को भी मोबाइल के सामने बैठने के लिए। आज पता, मैंने बच्चों के लिए ही प्रे की कि माँ हमारा हर चीज खराब कर दी, हमारे बच्चों का पढ़ाई खराब कर दी, उनका खेलना खराब कर दिया, उनकी आजादी खराब कर दी। हमारे बच्चे मतलब घर के अंदर रह गए, डर बिठा दिया। बहुत अंदर से प्रेयर्स आ रही थी कि ऐसे मत करो। और आज एक और एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जब आपका मैंने वीडियो देखा इविल हंटर्स में, कि आपने वीडियो पोस्ट किया है, और मैंने जब टाइम देखा सुबह 4:30 बजे पोस्ट हुआ है, तो मैं समझ गई कि आपका क्या प्रोसेस रहा होगा और आपने रात में पोस्ट किया। और जैसे ही मेरी अवेयरनेस ने आपके साथ कनेक्ट किया, उस इंटेंसिटी और एकदम, मैं ऐसे नहीं कहूंगी वैसे ही, बट मेरे अंदर वो 3-4 घंटे तक इतना तेज वो रोष रहा, और मतलब इतना सेम जैसे इंटेंसिटी आपके अंदर आती है ना, हमें ये करना है, हमने ये करना है, हम ऐसे करना चाहते हैं। तो इतने सारे प्रेयर्स, फिर हमने एक छोटा सा कलेक्टिव मेडिटेशन भी किया आपस में एक टाइम बना के। तो मतलब मैंने ये देखा, जैसे ही मैं आपके अवेयरनेस से कनेक्ट हुई या मैंने मेरा अटेंशन आप पे गया, तो मेरे अंदर भी वही वाली चीजें ट्रांसफर हो गई। जैसे एक किसी ने बहुत अच्छी परफ्यूम लगा के कोई एक रूम में घुस गया और बहुत देर तक उसकी खुशबुओं का आप आनंद ले रहे हो, मेरे साथ कुछ वैसे ही हुआ। एक्चुअली हम सब लोग कलेक्टिव हैं, ये बात सत्य है। और इसी बातों से पता लगता है कि वी आर कलेक्टिव, और कलेक्टिव तो पावर ही है, कलेक्टिव ही तो पावर है। माँ आदि शक्ति कलेक्टिव पावर का ही तो सिनोनिम है, शी इज द सिनोनिम ऑफ कलेक्टिव पावर। दैट्स व्हाई शी सेज आई एम देयर व्हेन कलेक्टिव इज देयर, बिकॉज शी इज द सिनोनिम ऑफ कलेक्टिव पावर। शी इज द कलेक्टिव पावर, सिनोनिम ही नहीं, शी इज द कलेक्टिव पावर डायरेक्टली। तो ये बात समझनी है, कहने को तो बारीक बात है, सरल भी है, बट वो जब वो है ही कलेक्टिव पावर, तो हम लोग भी जब कलेक्टिव होते हैं ना, अब इस कंडीशन में भले ही हमारा ये जूम सेशन हो, पर हमारी चेतनाएं, हमारी कुंडली, हमारी आत्माएं, हमारी जो जीवात्माएं, सब कलेक्टिव है। तो अब हम सेपरेट तो रहे नहीं है, हम सेपरेट और इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, वी आर कलेक्टिव एंटिटी। तो जो एक के अंदर घटित होगा दूसरे के अंदर तो महसूस होना ही होना है। वो जो लोग अलर्ट होंगे उन्हें एज इट इज महसूस हो जाएगा, जो लोग अलर्ट नहीं होंगे उनका टूटा फूटा महसूस होगा, जो सोए होंगे उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा। सीधी बात है। हाँ, पर ये
जैसे मैंने छोटा सा भी, जैसे मैंने कल एक जापान का कोई वीडियो सुना, तो मैंने कहा अच्छा वो दीदी से बात नहीं हुई बहुत दिन हो गए, बस मेरा इतना अटेंशन गया और मेरी फिर बाद में नेक्स्ट डे उनके साथ बातचीत हो गई, ऑटोमेटिकली उन्हीं का मैसेज आ गया कैसी हो ये वो चला। तो मैंने मतलब मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा श्री माता जी हम तो जब भी न्यूज सुन रहे होते हैं हम लोग तो हर वक्त प्रेयर्स ही कर रहे होते हैं, श्री माता जी महाकाली माँ देख लो, श्री कल्कि देखो क्या हो रहा है इतना। तो मैंने कहा हाँ ये वर्क तो करेगा, जब इतना सा मैसेज वहां तक पहुंचाया जा रहा है तो हमारी प्रेयर्स नहीं पहुंचेगी वही सारी मतलब पता है वही ये प्रेयर पता है कैसी है। जैसे कि एक कॉलेज है, कॉलेज में एक टीचर बहुत खराब है, बदतमीज किस्म का टीचर है और वो कई क्लासेस लेता है, तो जो जो क्लास लेता है उसके बच्चे जो हैं नाराज हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं सारे बच्चे इंडिविजुअल लेवल पे एक एक एप्लीकेशन कंप्लेन की लिखते हैं और प्रिंसिपल की कंप्लेन बॉक्स में डालते जाते हैं। प्रिंसिपल भी देख रहा है, जब तक दो चार कंप्लेन आई तो उसने कहा चलो बाद में देख लूंगा, जब वो बॉक्स एकदम भर गया भैया अब तो देखना पड़ेगा इसमें क्या है। तो हम सबकी जो प्रार्थना या अटेंशन रूपी एप्लीकेशंस या कंप्लेन है ना, तो बॉक्स के भरने के बाद ही खुलेगा बॉक्स, जब तक भरेगा नहीं वो बॉक्स भी नहीं खुलेगा, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड में बॉक्स खोलना है। अब जैसे प्रिंसिपल है वो हफ्ते में एक बार बॉक्स खोलता है, तो माँ की भी कुछ ऐसी सेटिंग है एक सर्टेन टाइम के बाद वो बॉक्स खोलेंगी और देखेंगी किस किस की कैसी कैसी कंप्लेन है, फिर उस पर एक्शन होगा। तो इसलिए समझ लो देर है प्रभु के घर में, अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये तो पर्सनल लाइफ में भी हमेशा इसीलिए शायद अभी मतलब पर्सनल लाइफ में भी ये वाले उतार चढ़ाव देखे कि अचानक से सारी चीजें ठीक हो गई, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि मतलब सडनली एक सोल्यूशन हुआ और हर चीज सही हो गई, अभी भी हाँ अंदर से ये कुछ अच्छा ही होगा अचानक ही हो तुमने जाएगा ये बात, तुमने बहुत अच्छी बात शेयर की है कि बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं होता लेकिन अचानक कुछ हो जाता है, हाँ जो मेरी इस बात को प्रूव करता है कि भैया आज तो बॉक्स खुल गया है। पीरियड देखा कि मुझे लग रहा था इस रात की कभी सुबह ही नहीं हो गई है, संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होगा, और अचानक ऐसा हुआ 15 दिन में सब चीजें ठीक हो गई, तो तो बहुत यही से बहुत मतलब से बहुत से हमारे सहजी भाई बंधु धैर्य खो देते हैं, वो कहते हैं हमने 10 एप्लीकेशन दे दी हमारा तो कुछ हो नहीं रहा। मैं उनसे कहता हूँ भैया बॉक्स खुलने का एक दिन है, जिस दिन खुलेगा उसी दिन कार्यवाही होनी शुरू हो जाएगी, धैर्य रखो। बिल्कुल। जैसे ये वाला कल इंसिडेंट हुआ ना बहुत छोटा था, पर मैं कनेक्ट करी थी हमारे यहाँ इतनी सी मैसेज भी वहां दीदी तक पहुंच गया, तो ये नहीं पहुंचेगा, ये तो साथ ही है हमारे, बस जब वर्क करना होगा वो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, पर हमारी चीजें वो सुन रहे हैं मर्जी से नहीं, एक उनका भी सिस्टम है ना, वो घड़ा तो भर जाए। भरे जो उनकी विल है, मेरा ये मतलब था कि हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है सारी मानव मानव जाति का इतिहास रहा है कि बिना घड़ा भरे तो कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। ये वो बिल्कुल मानती हूँ मैं। हाँ आज तक नहीं हुआ। अगर अध्ययन करोगे मानव जाति का कि कब कब विध्वंस हुए, कब कब युद्ध हुए, तो घड़ा भरने पे ही होता है सब कुछ, उससे पहले नहीं होता है। जस्ट वेट फॉर घड़ा कब भरेगा, और वेट भी ऐसे नहीं करनी, इंतजार नहीं करना कब हो रहा है, बस हमें अपने एप्लीकेशन देते जाना है। सोचो ये काम हमारा है, ये देवी का काम नहीं है, एप्लीकेशन देवी नहीं देगी, एप्लीकेशन तो हमें देनी है। तो भाई बिना मिस किए, डू नॉट मिस एप्लीकेशन, एवरी डे एवरी मोमेंट एप्लीकेशन दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। अब जब बार बार देंगे, जल्दी जल्दी देंगे तो जल्दी से घड़ा भरेगा ना। अगर आप सोच सोच के थक गए कि भाई हमने कल दी थी परसों दी थी कुछ हो नहीं रहा, तो फिर घड़ा भी भरने में टाइम लगेगा। डोंट मिस गिविंग एप्लीकेशंस एंड कंप्लेन्स, कार्रवाई तो होगी और सब एक दिन अचानक से ही होनी शुरू हो जाएगी। मैं उस दिन एक बायोपिक देख रही थी, वो एक बहुत बड़ा सा लीडर होता है, धर्म गुरु, और बहुत बड़ा एम्पायर होता है, सारे पॉलिटिशियंस उसके चक्कर काटते हैं,
और उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो इतना पावरफुल होता है। और उसका अचानक से ही फिर वो डाउनफॉल दिखाते हैं उसके रॉन्ग डिसीजंस, और आज वो जेल में सड़ रहा है। तो मैं वही सोचती हूँ कि एक टाइम इनको ऐसा लगता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लोगों को भी लगता है कि ये ऐसा कर रहा है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतने हेल्पलेस फील करते हैं, और अचानक ऐसी चीजें फिर हो जाती है कि आज उनका नामो निशान नहीं है। देखो ना, वो महान आत्मा, मैसेंजर ऑफ गॉड। बिगाड़ सकता, ये वो और और देखो ना, अचानक जरा से उसको जरा समझ में देखो नहीं आता ना, है। जरा देखो ना, दाढ़ी वाले का दाढ़ी वाला गुरु, वो भी जेल ही काट रहा है। नहीं, ये लोग तो सड़ेंगे। और अब ये जो मुझे अंदर से आ रहा है, ये जो महान महान जो लुटेरे हैं ना, जो ये जिन जिन दो जनों ने इन दो जनों को कठपुतली बना रखा है, इनकी संतानें काल कवलित होंगी आने वाले टाइम में। जल्दी संतानें वंताने जाएंगी, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। कैसा किसानों का खून चूस रहे हैं ये, पब्लिक का खून चूस रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा कर करके आम पब्लिक को चूस रहे हैं। इनकी संतानें जाएंगी, इनके घर के लोग जाएंगे, और इसी के इन्हीं के बुने हुए जाल में जाएंगे ये, जो इन्होंने ये जो इस तथा कथित जो नौटंकी कर रखी है ना पूरे देश में, इसी के जाल में फंस के जाएंगे। हालांकि हम दुआएं वुआएं नहीं कर रहे हैं, हम उनके परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कह रहे, हमारे अंदर से आ रहा है ऐसा। हम उनको कर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन दो जनों को तो कर्ज, हम उन चार जनों को तो हम, हमारी अंतरात्मा हर हाल में कर्ज करती है। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ही तो इतना नाश किया है, दे हाँ डिजर्व इट। बिल्कुल, दे डिजर्व ऑल सच कर्सेस, दे डिजर्व फॉर ऑल सच कर्सेस जो हमारे हृदय से निकले, जा जाके तीर की तरह इनके लगेंगे। होना जरूर है, होगा होगा होगा, और तब जाकर स्टेब्लिश होगा न्याय परमात्मा प्रकृति का। आ रहा है वो टाइम, घड़ा भर जाएगा, उसके बाद सब कुछ होगा। चलिए, लेट अस होप एंड वेट फॉर द गुड। बस एक चीज धारण कर लो, हम बिल्कुल मरने को तैयार बैठे हैं संघर्ष करने के लिए। अगर संघर्ष करते हुए हमारी मृत्यु हो तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अहिंसक हैं, पहला धर्म अहिंसा का पालन करना, पहला प्रहार हमारी तरफ से नहीं होगा, सेल्फ डिफेंस में प्रहार जरूर होगा, सेल्फ डिफेंस में प्रहार जरूर होगा। अच्छी तरह समझ लो, आता ताइयो, तुम बचोगे नहीं तो क्या हो गया, मर जाएंगे। अब किसी के एक गांव पे आक्रमण करते हैं डकैत, तो गांव वाले जम के मुकाबला करते हैं ना, उसमें बहुत सारे गांव वाले भी मरते हैं, कुछ डकैतों को मार देते हैं, पर वो शान से मरते हैं, वो डर के मारे पीठ पर गोली नहीं खाते हैं, संघर्ष करते हुए मरते हैं, तो वो होती है शांत की मृत्यु। हम कौन सा कायरों की तरह मरने वाले हैं। है ना, अगर अपनी जिंदगी में कोई मृत्यु को अपने भीतर में धारण कर ले, तो उससे शक्तिशाली इंसान नहीं है। मृत्यु वो पावर है जो आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसानों की श्रेणी में खड़ा कर देती है। दिस इज द पावर हाउस, पावर हाउस है मृत्यु, इसे धारण कर लो अपने हृदय में। मृत्यु अगर हमने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ली तो कुछ खत्म होने के लिए है क्या? खत्म फिनिश। जितने बेईमान होते हैं, जितने आतताई होते हैं, ये सब डरपोक होते हैं।
इन्हें डर लगता है कि हमारी सत्ता ना छिन जाए, हमारा पैसा ना छिन जाए, इसलिए अत्याचार करते हैं, इसलिए दबाते हैं लोगों को। लेकिन जिसने मृत्यु पर विजय पा ली, उससे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। विजय क्या करनी है हमें? विजय प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं, हमने तो उसे अपना लिया। आ गले मिल जा मृत्यु, तो फिर मृत्यु आपको एक अमर होने का वरदान देती है। लोग सोचते हैं भगवान अमर करते हैं, नहीं, मृत्यु के पास ये गुण दिया है, मृत्यु के पास ये वरदान का अधिकार है मानव को। जो मृत्यु को हंस के गले लगाएगा वही उसे अमर बना देगी। मृत्यु में खासियत है, याद रखना। भगवान अमर नहीं करते हैं किसी को, मृत्यु अमर करती है। मृत्यु के पास भगवान ने वो ताकत दी है अमर बनाने की, लेकिन किन को? जो खुशी खुशी गले लगाते हैं मृत्यु को और मानवता की भलाई के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करते हैं, मृत्यु उनको अमरता दे के जाती है, अमरत्व देती है मृत्यु। इंटरेस्टिंगली जरा हमारे हीरोज को देख लो, नेशनल हीरोज को, वो अमर हैं, उन्हें कोई मार नहीं सका आज तक। गांधी जी को देख लो, उन्होंने तो एक चक्कू भी नहीं उठाया अपनी जिंदगी में, उन्हें ही ना मार सके ये सारे लुच्चे लफंगे ढोंगी, उन्हें मार पाए क्या? आज भी वो ताकत के साथ खड़े हुए हैं, उनको मार ही नहीं सकता कोई। गांधी जी को, अहिंसा के पुजारियों को कोई मारने की औकात नहीं रखता। जिसने मारा उनके शरीर को मारा, उनको कौन मार पाया? आज भी वो अमर है। आज देखो कितनी वाइब्रेशन आ रहे हैं उनकी बात करते हुए, हैं? एकदम 24 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह शहीद हो गए। चाहते तो पूरी संसद भवन को उड़ा देते। जब उन्होंने बम फेंका था तो ऐसे वाले बम करते कि सारे ही मर जाते, पर उन्होंने संदेश दिया, अपना आहुति पे चढ़ के पूरे देश को उन्होंने क्रांति में डाल दिया कि भागाओ इन्हें, मैं इस संसद में 10 20 50 100 200 लोगों को मार दूंगा, पर तुम्हें तो देश को आजाद कराना है। क्रांति जागी, लोग अपना खून देने को तैयार हुए, लोग गोली खाने को तैयार हुए, मजबूर हो गए अंग्रेज छोड़ के जाने के लिए। और उधर सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने सिंपल कहा मरने वालों आ जाओ, जो खुशी खुशी मरना चाहते हो वही मेरी फौज में शामिल है। इन सब ने, गांधी जी ने अपने स्तर पे, उन्होंने सबने मिलके क्रांति को लाया, लेकिन सबके अंदर एक चीज कॉमन थी, दोनों के साथ मरने वाले लोग खड़े थे, दोनों के साथ। और वही शक्ति थी गांधी जी की, वही शक्ति थी सुभाष चंद्र बोस की। जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया उसने अमर बना दिया। मैंने कहा ना हम लोग वही 47 से पहले वाले हैं जो तब क्रांति में शहीद हुए थे और अब इसमें शहीद होने को तैयार है, मानवता को बचाने के लिए मरने को तैयार बैठे हैं आज हम। यस वी वॉन्ट टू डाई टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी, वी विल डाई। अगर ऐसा नंबर आएगा मरेंगे भी, पर मानवता को बचाएंगे, जी जान से जी जान लगा देंगे, सारी अपनी संवेदन इंद्रिया, सारी ज्ञानेंद्रिया, सारे चक्रों की शक्तियां, सारे देवी देवताओं की शक्तियां वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे जो हमारे को दिए हैं उन्होंने, साथ में अपना अस्तित्व भी लगाएंगे, पर मानवता की सेवा के लिए होना ही है। हम भी तो कायरों की तरह थर थर खाते, नहीं 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 मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे हम लोग कायर थोड़ी है, ना पहले कायर थे ना आज कायर है। अरे ये डाकू लुटेरे गुंडे मवाली जो सत्ता में आ गए हैं, इनसे क्या हम डर सकते हैं? इनकी औकात नहीं है हमारा सामना करने की। क्या कर देंगे? हमें मार देंगे, पिटवा देंगे पुलिस से, तो क्या हम मर जाएंगे? हमारे शरीर को मार दो तुम, तुम्हें मार सकते हो क्या? तब तो और स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर तो इनकी ऐसी तैसी। मैंने श्री माता जी का एक लेक्चर देखा था, लाइफ एंड डेथ, हैं उसमें से यही वाला बोल रही थी श्री माता जी। क्या बहुत झंझट है, झंझट बहुत है ना बॉडी के साथ। इफ यू डोंट हैव बॉडी यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। आहा हा,
द डे विल कम वी विल बी फ्री फ्रॉम दिस शेल, तब मजा आ रहा है एहसास करके। वाकई वाकई वाकई, मेरे अंदर तो सदा से ये भाव है। पता नहीं क्या है, लेकिन गुलाम तो नहीं बन सकता मैं किसी का। देखो मेरा जो कार्य है ना, मेरा कार्य विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से अक्सर पड़ता है, तो उनमें से ज्यादातर अपराधी जो अधिकारी हैं रिश्वत खाने वाले होते हैं। वो अकेले रिश्वत खाने वाले नहीं होते, मिनिस्टर्स के कलेक्शन के कारण खाते हैं। मिनिस्टर्स ने कह रखा होता है भाई कलेक्शन करके दो हमें पैसे, तो इसलिए रिश्वत खाते हैं। मान लीजिए 10 रुपए रिश्वत खाएंगे तो मिनिस्टर के पास 5 रुपए तो जाने ही है, 5 रुपए में उन्होंने काम चलाना है। ये लोग हम भी समझते हैं, हमें उन रिश्वत खाने वालों से नाराज नहीं है, क्योंकि इन इन लुच्चे मिनिस्टरों ने, जितने भी ये लोभी हैं, इन्होंने सिस्टम बना दिया है। ये मतलब ये अभी भ्रष्टाचार को इन्होंने सरकार बना दिया है। आज की तारीख में भ्रष्टाचार सरकार है, ये बात समझ लेना। पहले क्या थी, पहले सरकारें भ्रष्ट थी, वो चोरी करती थी। आज इन्होंने 1000 कदम आगे चल के भ्रष्टाचार को ही सरकार बना दिया है। तो अब तो वो ऐसे एक दूसरे के अंदर मिल गए हैं जैसे दूध और पानी एक साथ मिल जाते हैं। आज ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। तो हमसे कहते हैं, देखो भाई साहब, हम हैं ना, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें डराओ धमकाओ मत, हम डरने वरने वालों में से नहीं है। आप लोगों का अस्तित्व हमसे चलता है, ये बात याद रखना। शालीनता से बताता हूं कि हम हैं तो आप लोग हो, पर हम आपसे डरते नहीं हैं। हाँ, आपको जो चाहिए और एक हद तक हम खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि हमें भी जीवन जीना है, आपने भी जीना है। ये हम समझते हैं कि आपके ऊपर ऊपर से प्रेशर है, इसलिए आपको पैसे देते हैं हम, क्योंकि आप पे ऊपर से प्रेशर है। जिस दिन ये ऊपर का प्रेशर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप भी सुधर जाओगे, और नहीं सुधरना चाहोगे तो हम 2 मिनट में सुधार देंगे आप लोगों को। हमारे पास रास्ते हैं बहुत सारे, लेकिन इसलिए नहीं करते हम ये सारे काम, क्योंकि हम जानते हैं आपके सर पे जो मिनिस्टर बैठे हैं वो रिश्वतखोर हैं, आपसे रिश्वतें मंगाते हैं। हम ये सारा सिस्टम जानते हैं, हर डिपार्टमेंट में यही हाल है, लेकिन हम किसी अधिकारी से डरते वरते नहीं है, ये बात समझ लेना। चाहे वो पुलिस विभाग वाला हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, भाई क्या करेगा, पैसे ही तो लेगा, पैसे ही तो लेगा। तो हम कोई रिश्वतबाजी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम उनको कोऑपरेट करते हैं कि उनके ऊपर जो बहुत लुच्चे लोग नेताओं के रूप में हैं, वो उनसे पैसे मंगा रहे हैं, तो हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए बेचारे वो भी बहुत भले होते हैं, वो समझते हैं कि हम भी मजबूर हैं, तो इसलिए सर साहब आपको तो ये हमें मांग लेना पड़ता है पैसा, ठीक है ले लो, पर डरा नहीं सकते, तुम्हारे को डराने की औकात नहीं है हमारे को। आप जो दूसरों के कारण रिश्वत ले रहे हो ना, तो हमसे कमजोर हो आप, ये समझ लेना। आपके पास आज पद दे दिया, आप एक अधिकारी के रूप में आ गए, हम आपका आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिस पद पे हो हम उसका सम्मान कर रहे हैं। तो हमें डराने की कोशिश मत करो, हम पद का सम्मान करते हैं पर डरते नहीं हैं। और जो डरते हैं वो गुलामी करते हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम बन नहीं सकते, हमारे अंदर गुलामी के जीन्स नहीं है। तो जितने अंधभक्त हैं इनके डीएनए टेस्ट करा लेना, ये सारे गुलामों के जीन्स हैं, इनके अंदर सारे वही गुलाम हैं जो 47 से पहले गुलाम थे, वही गुलाम आ जाए यहाँ पे। हमारा भी डीएनए टेस्ट कराओ तो मंगल मंगल सिंह के डीएनए से मैच करेगा, और इनका टेस्ट कराओ तो गुलामों से मैच करेगा उस काल के।
क्योंकि इतनी आग बरसती है ना अंदर, कैसे बना लेगा कोई हमें गुलाम, मार देगा ना तो मार दे, लूटना चाहे लूट ले, पर तू चार थप्पड़ लगाएगा दो तो हम भी मार ही देंगे, ये बात पक्की है। अब तो वो वाली शक्ति आ हाँ गई। नहीं, ये शक्ति तो पहले भी थी, ये वाली शक्ति तो पहले से ही थी। आपके साथ मेरे अंदर जागृत। अब तो माँ ने हमें हौसला दे दिया, और मैं हूं ना, चलो आगे मुकाबला करो अन्याय का। अब तो मेरे अंदर ऐसे वाला हो गया कि मेरे को लग रहा है मैं कुश्ती लड़ रही हूँ और मैं वो मैं ऊपर बैठ गई। नहीं अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे वाली फीलिंग आती है। चलो, ये सब चीजें सबके अंदर जानी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत सी चेतनाएं इंटरेक्ट कर रही हैं इस वक्त, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज, और जब वो 4 महीने बाद ये चीज प्रत्यक्ष में सुनेंगे तो उनके अंदर ही बड़ा सुकून और हौसला मिलेगा कि हाँ, पता है मुझसे ऐसे अब लोग मिलने लगे हैं, इंटरेक्ट करने लगे मैसेज उसमें, व्हाट्सएप पे, फोन कॉल्स पे, कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं ऐसा। मैं कहा अंदर से कनेक्टेड और यूनाइटेड रहो, बाहर से भले ही अलग अलग दिखाई दो पर अंदर से कनेक्टेड रहो, ये नेटवर्क ही इस अन्याय का अन्याय को खत्म करेगा। ये जो कॉमन फीलिंग्स जो हमारे अंदर से फ्लो कर रही है ना, यही ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी सोसाइटी को, यही ट्रांसफॉर्म करेंगी, यही आताताइयों का अंत करने में मदद करेंगी। तो शायद इसीलिए श्री माता जी ऐसी बातें ऑनलाइन सिस्टम पे निकलवा रही हैं ताकि ये हाईलाइट हो। अगर ये किसी ऐसे लुच्चे लफंगों ने देख लिया तो भैया जेल वेल में डाल देंगे हमें, कोई बात नहीं, हमें परवाह नहीं है इस बात की। हाँ, आई डैम केयर सच थिंग्स। फ्रंट लाइन पे हमारे बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनकी जान जोखिम में है, और वो बिना डरे करते हैं, और उनके पास तो श्री माता जी का भी डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे पास तो श्री माता जी का डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, उनकी सारी फौज है, 33 करोड़ के 33 करोड़ देवी देवता सर्विस देने को तैयार बैठे हैं, फिर भी हम कायर हैं, आश्चर्य होता है। तभी तो हम ये कहते हैं, और श्री माता जी ने भी कहा है, बेटा ये रास्ता स्वयं को पहचानने का है, और हमें तो अपनी पहचान हो गई ना अंदर से, जब हमने अपने को पहचान लिया तो हम काहे को डर मर के रहे। हाँ, एक बार जैसे हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ गई तो हम थोड़ी निकम्मे बन के रहेंगे, फिर तो हम योद्धा ही है भाई। हमारी ट्रेनिंग पीरियड हो चुकी है, अब तो हम तलवार उठाएंगे तो लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, या तो अच्छा हमें बिल्कुल। अपने डिफेंस तो करना ही है, अच्छा उसमें तो कोई जसलीन, शक ही नहीं है। अब समाप्त करेंगे, बैटरी आखिरी वाली बैटरी भी बंद होने वाली है, ठीक है। जय श्री माता जी, बी स्ट्रांग, बी वॉरियर एंड फाइट अगेंस्ट इविल्स ऑलवेज, यही मेरी गुड विशेज हैं आप सबके लिए। सो वी आर हु, वी आर इविल्स हंटर्स, नेवर ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट दिस थिंग, वी आर मेड इविल्स हंटर्स बाई हर, ठीक है। जय श्री माता जी। अरे एक डंडा आ गया, एक डंडा आ गया अपने आप। अभी कुछ रह गया है लगता है तुम्हारे अंदर से। जसलीन, एक डंडा वापस आ गया है, तुम्हें कुछ कहना है तो 1 मिनट के लिए कह सकती हो। कहना चाह रही थी। हाँ बोलो बोलो, बस हो गया, ओके, जय श्री बहुत माता जी। अच्छा था आज का मेडिटेशन। अब नेटवर्क भी गया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ओ जय श्री माता अब जितने हो उतने तो बोल दो जय जय श्री श्री माता माता जी, जितने दिख रहे हो उतने तो बोल दो जी। एक बार। जय श्री माता जी। और बाकी तारिणी रमणी दीदी योगिनी दीदी चलो सुनीता सबको जय श्री माता जी।